भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। खटीमा व गदरपुर बाईपास एवं इसके साथ साथ आज खटीमा और नानक माता विधानसभा क्षेत्र की 23 योजनाएं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की और एक योजना पेयजल विभाग की, यानी कि 24 योजनाएं मिलाकर 26 योजनाओं के आज इस लोकार्पण अवसर पर। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके इस क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री के नाते लगातार उत्तराखंड की योजनाओं को भी लगातार आगे बढ़ाने के लिए जिनका सतत प्रयास रहता है और जो लगातार सभी योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं, हमारे भारत सरकार के मंत्री, हम सब के प्रिय आदरणीय अजय भट्ट जी, और इस क्षेत्र जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, वैसे तो इसका नाम है खटीमा बाईपास, लेकिन ये दो विधानसभाओं में पड़ता है, नानकमता और खटीमा दोनों। तो नानकमता क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारे बड़े भाई आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोड़ा जी, श्री सुरेश गढ़िया जी, हमारे पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, प्रदेश के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भाई विकास शर्मा जी, बहन लीलावती राणा जी, हमारे यहां के जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर रुद्रपुर श्री कमल जिंदल जी, श्री गुंजन सुखीजा जी काशीपुर क्षेत्र के, और इस पूरे प्रोजेक्ट के जिन्होंने लगातार हम लोगों के साथ मिलकर इसको आज लोकार्पण तक पहुंचाने का काम किया है, श्री एस के सिन्हा जी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री शर्मा जी एवं उनकी पूरी टीम, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सतीश गोयल जी, श्री किशोर जोशी जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे, खटीमा नानकमता एवं आसपास के क्षेत्रों से आए हुए, मैं देख रहा हूं चंपावत बनबसा टनकपुर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं आप सभी का आज यहां पर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग परियोजना के पूर्ण होने के अवसर पर यहां पर पहुंचे। आज मैं बहुत जहां अंदर से प्रफुल्लित हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसा काम जिसका हम लोगों ने शुभारंभ किया था और शुरू में 2012 से जिसके लिए लगातार प्रयास किया, लगातार इसके लिए तमाम प्रकार की अड़चनें, तमाम प्रकार की बाधाएं, जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हमारे समीर सिन्हा जी ने किया कि बहुत ऐसा लगता था कि ये बाईपास बनना नामुमकिन है। प्रकाश तिवारी जी भाई साहब यहां पर बैठे हैं, ये भली बात ही समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल काम यह था,
आप सबकी शुभकामनाओं से, वैशाल अजय भट्टी के केंद्र में प्रयासों से और भगवान की कृपा से, मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुनिया में एक पत्ता भी इधर से उधर होता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा से ये असंभव सा लगने वाला काम जो मैंने खटीमा क्षेत्र के विधायक के रूप में एक सपना देखा था, वो सपना आज पूर्ण हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैंने अजय भट्टी से भी कहा, भाई साहब इसका उद्घाटन करना है जल्दी, और मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक अच्छा समारोह होना चाहिए, एक बार सब लोग यहां पर आए। बना जरूर है कि खटीमा नानक मता दो विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन इसका लाभ जहां बगल में सितारगंज वालों को भी मिलने वाला है, रुद्रपुर वालों को भी मिलने वाला है, किच्छा वालों को भी मिलने वाला है, बनबसा वालों को, टनकपुर वालों को, चंपावत वालों को, लोहाघाट वालों को, पिथौरागढ़ वालों को, और यहां से लेकर धारचूला तक वाले लोगों को, जिनको भी दिल्ली जाना होता है, जिनको भी देहरादून जाना होगा, जिनको भी हरिद्वार जाना होगा, रुद्रपुर जाना होगा, मुरादाबाद जाना होगा, रामपुर जाना होगा, सबको इसका लाभ मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, जिनकी टोपी आज अजय भाई साहब ने पहन रखी है, कहां वाले, इनके ससुराल वालों को, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला सीधे सीधे, है ना राय साहब? राय साहब पीछे बैठे हैं, तो नेपाल वालों को भी लाभ मिलने वाला है। हालांकि भारत सरकार ने और माननीय भट्टी के प्रयासों से वहां पर एक बड़ा रोड हमारा बन रहा है, जो भारत और नेपाल के बीच में हमारा रोटी बेटी का जो संबंध है उसको और प्रांगण करेगा। आज मुझे खुशी है कि जहां खटीमा बाईपास का लोकार्पण हो रहा है, वहीं गदरपुर बाईपास का भी लोकार्पण हो रहा है। अक्सर देहरादून जाते समय, काशीपुर जाते समय, हरिद्वार जाते समय आप लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और आधे से एक घंटे के बीच का समय कभी कभी लग जाता था, और अक्सर वहां गन्ने के सीजन में और धान के सीजन में अक्सर वहां जाम लगता था, और कोई भी मीटिंग होती थी जिसमें एनएचएआई के लोग होते थे, दिशा की बैठक होती थी माननीय भट्टी की अध्यक्षता में, तो मेरी हमेशा उत्सुकता रहती थी कि तीन काम, एक तो हमारा खटीमा का बाईपास बन जाए, और जब तक बाईपास नहीं बना था थोड़ी सी उस समय हमने चालाकी करी, आज उसका भी मैं आप सबके सामने लोकार्पण कर देता हूं। हमने कहा कि जब इसका बाईपास का पैसा पहले ही आ गया था, कि पैसा 2019 में आया था, कितने 18 में, 2018 में इस बाईपास का पैसा आ गया, लेकिन ये गोपाल का ये जमीन नहीं मिल रही, तो जमीन नहीं मिल रही थी, तो हमने इनकी बैठक के लिए वहां देहरादून में बैठक करवाई, और हमने कहा वहां जमीन नहीं मिल रही है, तो राज्य सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब इसको जो है इस पैसे को दूसरी जगह लगा दिया जाए, इन लोगों ने लिख के मांगा। तो ये जो हमारा बहनिया से खटीमा होते हुए चकरपुर तक मेरे ख्याल से लगभग 3 किलोमीटर ये है, और 6 किलोमीटर आगे है, 9 किलोमीटर रोड, ये पूरी हॉटमिक्स हो गई, और अब ये अगर अच्छे से चलेगी तो मैं समझता हूं 20-25 साल तक कुछ नहीं होने वाला इसे। अब जब ये बन गई तो इसके बनने के बाद फिर हमारे को ध्यान में आया कि बाईपास भी बनना चाहिए। अब लोग कहने लगे साहब बाईपास कैसे बन जाएगा, फिर ये सिन्हा जी और हमारे जो मुख्य सचिव हैं
संधू साहब, वो एनएचआई के चेयरमैन थे, तो उनको मैंने अप्रोच किया। मैंने कहा संधू साहब, ये बाईपास बनना बहुत जरूरी है। तो बोले कि आपकी तो राज्य सरकार ने लिख के दे रखा है कि वहां नहीं बन पा रहा, जमीन नहीं है, इसलिए नहीं बना दी, नई सड़क बन गई, आपका पैसा तो वहां लग गया। तो मैंने कहा भाई, ये केवल सड़क खटीमा के लिए नहीं बननी है, ये बाईपास खटीमा के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए बनना है, नेपाल के लोगों के लिए बनना है। फिर से इन्होंने दोबारा से चिट्ठी हमसे मंगवाई, फिर हमने चिट्ठी लिखी कि जमीन दोबारा से हमको, हम देने के लिए तैयार हैं। दे तो दी जमीन, लेकिन यहां पर फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि जमीन का पैसा जिनको मिलना था उनके नाम पर उसका खतरा नहीं, खतौनी नहीं है, तो कैसे सेटलमेंट होगा। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन यहां पर जो हम लोग खटीमा को कहते हैं कि कौमी एकता का गुलदस्ता है, सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, और हमारे सब प्रशासन के लोग उस समय आगे आए और उन्होंने आपस में सेटलमेंट करवा दिया। उसके बाद ही ये जमीन हमको मिल पाई, और जमीन मिलने के बाद ये बाईपास बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर आ गया पुल भट्टा का पुल, वह भी जो है लंबे समय तक आधा बना फिर रुक गया, आधा बना फिर रुक गया, हर बार परेशानी हमको ही होती थी, और हम जाते थे तो मैं सोचता था जब मुझे ही परेशानी हो रही है तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। उसके लिए भी बार बार हर मीटिंग में हम लोग बोलते थे बाईपास, इन्होंने पुल भट्टा का पुल चला दिया। मैं धन्यवाद करता हूं विभाग के लोगों को, उनके प्रयासों की सराहना भी करता हूं कि उन्होंने पुल भट्टा वाला पुल चलाया। उसके बाद रह गया बाईपास गदरपुर वाला, तो मैंने कई बार अजय भट्टी से कहा, मैंने कहा भाई साहब आप बात को उठाओ यार, इसको आप उठाइए इसको। तो इन्होंने भी बड़े जोर शोर से उठाया, कभी गडकरी जी से मिले, कभी कहीं मिले, और अंततः खटीमा, पुल भट्टा और गदरपुर तीनों जो है आज चालू हो गए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि उनके उनका विशेष इसमें उत्तराखंड की धरती से है। और गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने भी, जब भी हम उनसे भेंट करने गए हैं, जब भी हम कोई प्रस्ताव लेकर गए, कभी भी उन्होंने हमारे किसी प्रस्ताव पर कभी उन्होंने मना नहीं करा। पिछले वर्ष हमको सीआरएफ ने भी पैसा दिया, अभी रोपे ये परियोजनाएं चल रही हैं जिनके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने अभी बताया कि केदारनाथ का रोपे, हेमकुंड साहब का रोपे तो बहुत ही बड़ा है, गुरुदेव कहां गए वो हमारे बलदेव, तुम गए हो हेमकुंड? जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो बहादुर सिंह जी, कर्नल सिंह जी, राजपाल जी, ये जो है 16 किलोमीटर की यात्रा, 16 किलोमीटर की जो यात्रा है वो यात्रा कितनी कठिन होगी, कठिन यात्रा, जो अस्वस्थ है उनके लिए और कठिन, कर्नल साहब, और जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनके लिए तो बेहद कठिन, 4 दिन 5 दिन लगते थे, और अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से वो यात्रा हमारी मुश्किल से 2-3 घंटों में पूरी हो जाएगी, 16 किलोमीटर की यात्रा। पूर्णागिरी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में यहां पर भी जो है ये रोपवे का काम शुरू हो। पर्वतमाला योजना में अभी धनोल्टी विधानसभा और टेहरी में हमने अभी सुरकंडा देवी में वहां पर रोपवे स्टार्ट कर दिया है। हमारा प्रयास है कि जगह जगह जो भारत सरकार इस बार कार्यक्रम लेकर आई है पर्वतमाला योजना, उस पर्वतमाला योजना में हमारे उत्तराखंड को सर्वाधिक उसका लाभ मिले। उसका हेतु भी यही है कि जो हमारे जैसे राज्य हैं, हिमालय के राज्य हैं, उन सभी को लाभ होगा, उसमें हम सर्वाधिक लाभ कैसे ले पाए।
तो भाइयों बहनों ऐसे अनेकों कार्य आज हो रहे हैं। हमारे बगल में ही एम्स बनने वाला है, जिसके लिए हमें अनेकों स्थानों पर जाना पड़ता है, सीट नहीं मिलती है, परेशानियां होती हैं, रहने का स्थान नहीं मिलता है, बसों में जाना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, फिर वहां